Hello friends, welcome to my channel Learn English with Cherry. Today we will continue with our daily English series with its part 15. आज कोई particular topic तो नहीं है, लेकिन जो daily की use होने वाले sentences हैं, उसकी एक long series मैंने आपको दी है. So today's topic is 50 daily English sentences. So let's start. फर्स्ट है शांत रहिए. अगर आप किसी को कहना चाहते हैं बी काम एंड क्वाइट. समझदार को इशारा ही काफी होता है. अ वर्ड टू वाइज इज इनफ. किसी से अलग होते हुए कभी हम कहते हैं मुझे याद रखना. डू रिमेम्बर मी. मैं इसे सदा याद रखूंगा. आई शेल ऑलवेज रिमेम्बर इट. इसमें क्या खास बात है. What's remarkable about it? आपकी बड़ी कृपा होगी. It's kind of you. कई बार हम किसी दोस्त को कहते हैं कि ये बात अपने तक रखना, फिर भी हमें कई बार कहना पड़ता है तुम्हें तो कोई बात पचती ही नहीं है. You can't hold any secret. ये कई बार हम ऐसी मस्ती में बच्चों को या फ्रेंड्स को कहते हैं जरा देखो इस शैतान को. लुक एट दिस डेविल. चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है. ये ब्यूटी को लेके कह सकते हैं. ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड. आप तो बिल्कुल भोले हैं. यू आर क्वाइट इनोसेंट. ये तो कोरा झूठ है. कई बार किसी चीज के लिए हम एग्री नहीं करते तो हम कह सकते हैं दिस इज व्हाइट लाई. वे तुम्हारी क्या लगती है. व्हाट इज शी टू यू. वे बड़ा पत्थर दिल है. ही इज स्टोन हार्टेड. मामला बिगड़ गया है. कई बार हम किसी मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पर हमें लगता है नहीं नहीं अब तो आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गया. देन वी कैन से द मैटर हैज टेकन अ सीरियस टर्न. वह अपने बाल कटवाने गया है. ही हैज गॉन टू गेट हिज हेयर कट. इससे काम चल जाएगा. दिस विल ड्यू या दिस विल वर्क. मैंने अपना इरादा बदल लिया है. आई हैव चेंज्ड माय माइंड. यह काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है. इट्स नॉट ए चाइल्ड्स प्ले टू डू दिस वर्क. कई बार घर में बच्चे ही हमसे बदतमीजी से बात करते हैं. किसी से भी जब हम कहना चाहते हैं क्या ये तुम्हारा बात करने का तरीका है. इज दिस योर वे ऑफ टॉकिंग. कितनी गर्मी है. हाउ हॉट इट इज. अगर लगता है कितनी सर्दी है. हाउ कोल्ड इट इज. यह बात तुम्हें पहले क्यों नहीं सूझी. व्हाई डिडंट इट अकर टू यू बिफोर. मैंने ये बात नहीं की. आई डिडेंट मेक दिस रिमार्क. कोई भी अपमान सहन नहीं कर सकता. नोबडी कैन पॉकेट दिस इंसल्ट. कल कभी नहीं आता. कई बार हमें कोई कहता है ये कल कर दूंगा कल कर दूंगा, तब आंसर में हम बोल सकते हैं टुमारो नेवर कम्स. चिंता करने से कुछ नहीं बनता. वरी डजंट मेंट मैटर्स. मेंड होता है ठीक करना किसी चीज को. मैं आपसे बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी हैप्पी विद यू. मुझे तुम पर गर्व है. हम अपने बच्चों को कह सकते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू. ये बहुत बढ़िया रहेगा. इट विल बी वेरी नाइस. बड़ी अजीब बात है. इट इज वेरी स्ट्रेंज. वह मेरा दूर का रिश्तेदार है. He is distant relative of mine. कई बार हमें किसी को इंट्रोड्यूस करना होता है तो हम इस तरह से कर सकते हैं. मुझे नींद आ रही है. I'm feeling sleepy. मैंने अपना फर्ज निभाया. I have done my duty. आओ ये बैठकर बात करें. Let us sit there and talk. मैं कल आपको फोन करूंगा. I shall call you tomorrow. अगर कि मैं कल आपको मिलूंगा. आई शैल सी यू टुमारो.
इस बात को अपने तक ही रखना, कीप इट टू योरसेल्फ। तुमसे बात करना ही बेकार है, इट इज नो यूज टॉकिंग टू यू। मजाक मत करो, डोंट कट जोक्स। क्या झगड़ा है, व्हाट्स द क्वॉल अबाउट। वो अभी अभी गया है, ही हैज जस्ट लेफ्ट। यह तो मेरे लिए खुशी की बात है, द प्लेजर इज माइन। आज क्या दाल सब्जी बनी है, व्हाट डिशेस आर कुक्ड टुडे। जरा सब्र रखो, हैव अ लिटिल पेशेंस। ऐसी बात नहीं है, इट इज नॉट सो। मैं नहीं मानता, आई डोंट अग्री। आप अभी तक जाग रहे हो, यू स्टिल अवेक। क्या मैं एक अर्ज करूं, मे आई मेक रिक्वेस्ट। जरा मैं तैयार हो लूं, कई बार कोई हमें कहता है जरा फटाफट चले तो हम कहते हैं प्लीज दो मिनट में तैयार हो लूं, लेट मी गेट रेडी। ये तो थे आज के सेंटेंसेस। अगर आप ऐसे बहुत सारे और सेंटेंसेस सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड लक।